हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी गार्डनिंग भी और ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आज जो है मैं अपने घर के सामने वाली लेक पे सैर करने आई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये खूबसूरत सा नज़ारा शेयर किया जाए। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा एक लोटस बेड है लेक में, और इसमें फूल आते हैं, कलियाँ बनती हैं, लेकिन फूल खिलने से पहले ही जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो आते हैं और तोड़ के ले जाते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि इनकी रूट्स भी वो निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि आप लोग तो सब जानते ही हैं कि लोटस की जो रूट्स होती हैं वो एडिबल होती हैं और खाने में बड़ी टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। तो वो तो हो गए लोटस के प्लांट्स। और यहाँ पे देखिए कुछ फ्लोटिंग वाटर कैबेज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनके भी 2-3 प्लांट्स ले जाऊँ और अपने गार्डन में लगाऊँ। बस आप देखते रहिए और एंजॉय करिए मेरे साथ इस खूबसूरत से नज़ारे को। और ये देखिए वाटर हायसिंथ भी बहुत है। एक्चुअली ये लेक जो है बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है, इसी वजह से इसके अंदर जो है सीवेज का पानी भी छोड़ दिया जाता है फ्रेंड्स। तो बहुत ही गंदगी हो गई है इस लेक में, लेकिन फिर भी बेचारी अभी तक सर्वाइव कर रही है। और ये लोटस जो है ये बहुत ही बड़ी बड़ी लीव्स वाली वैरायटी है, तो इससे तो आप घर के अंदर नहीं ग्रो कर सकते। इस वजह से मैं भी इनको नहीं लेके जाऊंगी, वरना तो अगर छोटी वैरायटी होती तो ज़रूर मैं इसका एक आध प्लांट तो ज़रूर अपने गार्डन में ले जाके लगाती थी। तो चलिए आप एंजॉय करिए इस खूबसूरत से नज़ारे को, और मैं अपनी हंटिंग पे चलती हूँ। और थोड़ी सी सैंड भी मैं यहाँ से ले जाऊँगी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप सैंड कहाँ से लेके आती हैं अपने गार्डन के लिए? तो मैं जो हूँ फ्रेंड्स, सैंड बेगुर लेक के किनारे से, यानी इस तालाब के किनारे से ही लेके जाती हूँ हमेशा जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आपको कैसी लगी ये छोटी सी वीडियो ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।